ये है। इसका डिफरेंशिएशन क्या चल रहा है फंक्शन में, फिर जो प्लस वन वाले जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूँ। हम फंक्शन की पावर फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसके लिए स्टेप क्या है हमारे पास, पहले लॉग लेंगे ताकि ये नीचे आ जाए। ये नीचे आएगा जो पावर में होता है इससे बेस से ऊपर, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स। फिर डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि लॉग हम जो फार्मूले यूज़ कर रहे हैं यहाँ लॉग ऑफ एम की पावर एन है, तो एन नीचे आ जाएगा लॉग एम हो जाएगा। एक तो ये यूज़ हो रहा है, एक बेटा हम ये यूज़ करेंगे लॉग ऑफ एम एन। क्या होता है लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एम, प्रोडक्ट किस में बदल जाती है, सम में। ऐसे लॉग ऑफ एम बाई एन ये क्या होता है, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एम। ये तीन फार्मूले जो है इनका प्रयोग चल रहा है अब यहाँ, और ये लॉगरिथम लेने के बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन के लिए वही फार्मूले हैं, और जब लॉग दोया का सम हो तो मैंने बताया था डायरेक्ट लॉग नहीं लेना क्योंकि कोई फार्मूला नहीं है एम प्लस एन के लिए। ऐसे ही एम माइनस एन के लिए भी कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, मैं लिखवा चुका हूँ जो जो थे। तो अब ये है प्लस में है ये, तो इसको हम क्या लेंगे यू, और इसको क्या लेंगे, तो वाई को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स। अब इनको अलग अलग निकालेंगे, यू से तो क्या निकलेगा, डी यू बाई डी एक्स। यू क्या है, एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर एक्स। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग ऑफ यू, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स और उसकी पावर एक्स। तो मैंने बताया जो पावर में होगा वो क्या होगा, आगे आ जाएगा। अब इसको यू इंटू वी प्रोडक्ट फार्मूले से करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या आएगा, वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज, और लॉग का क्या होगा, वन बाई जो जिसका भी ये लॉगरिथम है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, और इनटू इसी का डिफरेंशिएशन। फिर एक्स का क्या हो गया वन, और वन बाई एक्स का क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स। फिर लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स एज इट इज, और अब किसका होगा डिफरेंशिएशन, एक्स का। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। एक्स इसका भी एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वेयर
यू एक एक्स इससे कट जाएगा और यू एक्स भी कट जाएगा इससे, तो व्हाट वी गेट, डी यू बाई डी एक्स यू इंटू और u की वैल्यू वापस आ जाएगी। क्या है u? x प्लस ये डिफरेंशिएशन हो जाए। अब क्या निकालेंगे? डी वी बाई डी एक्स कहाँ से निकलेगा? वी से। वी क्या है? एक्स की पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स। क्या करेंगे? लॉग ऑफ वी, एक्स की पावर एक्स प्लस, इसको क्या करेंगे, एक्स को छोड़ देंगे बेस में है तो, इसको क्या करेंगे आगे लिखेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? वन बाई वी और डी वी बाई, इसको कैसे करेंगे कौन बताएगा? योगिता बताएगी, बता बेटा। ये यू है, ये इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? यू इंटू वी से। यस सर। बोलो फिर। एक्स प्लस वन बाई एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का क्या होगा सर? वन बाई एक्स। फिर लॉग एक्स एज इट इज, और इसका क्या होगा? एक्स का क्या होता है सर? वन। और वन बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। मैंने लिखवा रखा है फार्मूले में डायरेक्ट सीधा, डी वी बाई डी एक्स वी इंटू वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स और प्लस लॉग एक्स, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। वी की वैल्यू वापस कर, तो वी क्या है? एक्स की पावर ये। और भी बच्चे बेटा बताएं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राधा, निशा, मुस्कान। यस सर। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? दोनों का जोड़। पहले इसको लिखेंगे, फिर एक्स की पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स और वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये आंसर है। ठीक है, ये हो गया छठा। अब है आठवां बेटा। सातवां मैंने स्कूल में कर दिया था। ये छठा हो गया, चौथा भी हो गया, पहला दूसरा पांचवा मैंने छुड़वा दिया था, इनको लास्ट में देखेंगे। अब किस पे हम? आठवें। आठवें के बाद नौवां, दसवां, ग्यारहवां।
आठवां है साइन एक्स की पावर एक्स और साइन इनवर्स। तो अगेन क्या है फंक्शन की पावर, फंक्शन प्लस भी है तो डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, इसको पहले क्या लिखेंगे, वाई क्या हो गया और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया। मुस्कान बताएगी अब इसको। यस सर। हाँ बताओ बेटा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। गुड, पहले क्या निकालेंगे, डी यू बाई डी एक्स, यू लिख लो क्या है, साइन एक्स उसकी पावर एक्स। बता बेटा आगे क्या करेंगे, लॉग ऑफ बोथ साइड। फिर क्या होगा, एक्स अब डिफरेंशिएट करेंगे, बताओ क्या आएगा डिफरेंशिएशन इसका, वन अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स, जैसे वाई का होता है वैसे ही, और इसको यू इंटू एक्स एज इट इज, लॉग साइन एक्स का क्या होगा, वन बाई साइन एक्स बेटा, और फिर साइन का भी करेंगे कॉस एक्स, चेन रूल से। सर ये दो वेक्टर का साइन एक्स कैसे आया, देयर लॉग ऑफ साइन एक्स है, लॉग लॉग एक्स का क्या होता है, वन बाई जिसका भी लॉगरिथम है वो एक्स का, तो वन बाई, अब साइन एक्स का है ना लॉगरिथम, तो वन बाई साइन होगा, और मैंने ये बताया था x के अलावा कुछ और है जैसे साइन x है, तो साइन x का भी आगे करना होता है, फिर क्या होगा कोस x, लेकिन ये जो नया करते हैं ये मल्टीप्लाई होता है, कभी नीचे करें जाओ इसमें, ठीक है सर। प्लस लॉग साइन x एज इट इज, x का क्या हो गया वन, अब u इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो x कोस x बाई साइन x क्या हो गया कोट x, और u की वैल्यू वापस, u कितना था साइन x और उसकी पावर, ये आ गया डी यू बाई डी एक्स। अब v कितना है, साइन इनवर्स रूट एक्स, इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा, इसमें तो फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, डायरेक्ट ही हो जाएगा, साइन इनवर्स का क्या होता है, तो x की जगह रूट एक्स है, तो वन माइनस रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और फिर रूट एक्स का भी करना पड़ेगा क्योंकि अदर देन x है, तो उसका फिर फर्दर होता है, रूट एक्स का क्या होता है, तो ये आ गया वन अपॉन टू रूट एक्स और वन माइनस एक्स, ये आ गया डी वी अपॉन डी एक्स। ये डी यू अपॉन डी एक्स, डी बी अपॉन डी एक्स, अब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ गया था साइन एक्स उसकी पावर एक्स, एक्स कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स और प्लस वन बाई टू रूट एक्स और रूट वन माइनस एक्स, ये आंसर।
उसके बाद नाइन्थ, एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कोस एक्स। तो अगेन फंक्शन की पावर फंक्शन है, निशा बताएगी अब कैसे करेंगे इसको। गुड, फिर डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। यू क्या है? यू पहले वाला है, वी ये है, यू है एक्स की पावर साइन एक्स। कैसे करेंगे बेटा इसको? हो गया, साइन एक्स को क्या करेंगे? नीचे ले गए। अब डिफरेंशिएट करेंगे वन बाई यू डी यू बाई, इसको कैसे करेंगे बेटा? u इंटू v मेथड से कैसे होगा? sin x as it is one by x plus log x cos x। बहुत बढ़िया बेटा, u इधर आ जाएगा साइन एक्स बाई एक्स, और यू की वैल्यू वापस एक्स की पावर ऐसे ही क्या निकालेंगे हम? डी यू बाई डी एक्स आ गया। अब क्या निकालेंगे? v कितना है? साइन एक्स की पावर कोस एक्स। निशा बेटा शाबाश, अब नेक्स्ट इज राधा। बताओ बेटा। लॉग एक्स, लॉग v, लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर कोसेक्स। पहले क्या होगा? अब डिफरेंशिएट करो वन अपॉन वी, इसको कैसे करेंगे? कोस एक्स एज इट इज, इसका लॉग साइन एक्स है क्या होगा? वन अपॉन एक्स नहीं बेटा, वन अपॉन साइन एक्स। लॉग साइन एक्स है तो वन बाई साइन एक्स, लॉग ऑफ कोट एक्स होता तो वन बाई कोट एक्स, लेकिन साइन का फिर करना पड़ेगा कोस एक्स। फिर प्लस लॉग साइन एक्स एज इट इज, और कोस एक्स का क्या होगा बेटा? माइनस साइन एक्स। डी वी बाई डी एक्स, वी इधर आके गुणा हो जाएगा। कोस एक्स और साइन एक्स क्या हो गया? कोट एक्स इंटू ये कोस एक्स। v की वैल्यू वापस करते हैं, क्या है v? log of sorry साइन x की पावर cos x। cos x
ये तुम्हारा डी वी बाई डी एक्स आ गया। कहाँ रखेंगे अब इसमें, डी वाई बाई डी एक्स में। पहले क्या है, डी यू बाई डी एक्स, ये लॉग एक्स इंटू कोस एक्स। फिर क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी एक्स, ये है साइन एक्स की पावर कोस एक्स। ये आंसर है। जगह बची हुई है एक क्वेश्चन, मैं और कर देता हूँ दसवां, बाकी फिर स्कूल में ही करेंगे। दसवां क्या है, एक्स की पावर कोस एक्स अगेन फंक्शन की पावर फंक्शन है। गुड, किसने बताया ये, दर्वन ने। ये तेरा नाम भी तो आ गया अंजलि। हाँ सर। वेरी गुड। एक्स की पावर एक्स कोस एक्स है, चाहे कम में भी हो बेटा, फंक्शन की पावर फंक्शन है। यू भी लेंगे, ये पहले वाला यू है, दूसरे वाला तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक, यू एक्स की पावर एक्स कोस एक्स। तो क्या करेंगे, ये बताएगी प्रियंका ने बता दो। प्रियंका बता, लॉग ऑफ यू। प्रियंका है ना क्लास में? यस सर। ये फिर बोल, अब पावर में जो भी था ऊपर सारा आएगा, इधर आ जाएगा सर, एक्स कोस एक्स ऑफ लॉग एक्स। इव कहने तीन हो गए है ना, एक एक्स हो गया, एक कोस एक्स हो गया और एक लॉग एक्स। तो देखो हमने यू वी का पढ़ा था, क्या होता है डिफरेंशिएशन बताना। यू एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ यू। बहुत सिंपल है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यू पहले इसको लिख लें, कुछ आया ध्यान में, पहले यू का हो गया, बाकी वी साइलेंट रहा, फिर वी का हो गया, यू साइलेंट रहा, और तीन होते तो पहले यू का कर दो बाकी साइलेंट। अब बीच वाले का कर दो बाकी एंड पे साइलेंट, फिर क्या हो जाएगा, समझ आ गई बात बेटा, वेव ही चल रही है, पहले यू का हो गया, बाकी ये दोनों न्यू कहीं रहे, फिर वी का हो गया, ये दोनों यू कहीं रहे, फिर यू वी का जो है ये साइलेंट रहे, डब्लू का हो गया,
और चार होते तो तब भी यही रूल है, कितने हो जाए यू वी डब्लू टी। तो पहले किसका करेंगे, यू का, वी डब्लू टी यू का। अब कौन से का होगा बेटा, वी का, बाकी यू के यू रहेंगे। अब किसका होगा, बाकी यू के यू रहेंगे। और अब किसका होगा, समझ आ गई बात। ऐसे ही चाहे कितने भी हों सबका यही तरीका है। तो ये तो दो वाला था बस, तो अब हम आए तीन है ये यू वी डब्लू, समझे। तो इसका तो हो गया वन बाई यू। तो पहले एक्स का करेंगे ना, वन कोस एक्स और लॉग एक्स एज इट इज। फिर किसका करेंगे बेटा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स वन बाई एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स हो गया। कोस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कोस एक्स। और यू की वैल्यू वापस कर दो, ठीक है बेटा। डी यू बाई डी एक्स हो गया। अब रह गया डी वी बाई डी एक्स, वो आसान है। किस मेथड से करेंगे, u बाई, ये फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, u बाई वी मेथड, एक्स स्क्वेयर वी का स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वन एच डी। इसका क्या आएगा, टू एक्स, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, टू एक्स क्यूब तो यह आ जाएगा, ये क्या था, एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ये एक्स प्लस वन था बेटा, माइनस आएगा माइनस फोर एक्स। तो ये तो डी वी बाई डी एक्स की जगह रखा जाएगा और डी यू बाई डी एक्स की जगह ये रखा जाएगा, यानी कि ये प्लस में ये उत्तर है। तो यहाँ तक के कर लेना बेटा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।